अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे दोस्त भाई स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो आज, पहले तो मेरी सारी वीडियो जो थी वो स्टडी के मुतालिक थी, लेकिन आज मैं ये वीडियो थोड़ी स्टडी से हट के बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी लड़कों के पेपर तो ख़त्म हो गए हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा इन्जॉय करते हैं, अभी यहाँ सैटरडे की नाइट है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और दोस्तों को जो साथ है वो इन्जॉय करवाते हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त कह रहे थे सारे में कोरिया जो है ना दिखाएं। तो अभी मैं कोरिया का बहुत ही फेमस प्लेस है हेउंडे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सैटरडे की नाइट को लोग कैसे इन्जॉय करते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे जो है ना इनका कल्चर क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इससे पहले ये बताना चाहूँगा कि अभी स्टडी, ये चैनल मैंने स्टडी के लिए ही बनाया हुआ है और हम इस पर स्टडी की वीडियोज़ भी अपलोड करते रहेंगे। तो बहुत जल्द जो है मैं कोरियन जो मून पोप हैं उनके मतलब भी जो है वो आपको बताऊंगा, वाइट बोर्ड पे समझाया करूंगा, ताकि दोस्त जो हैं उनको फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो जो कोरिया में लड़के हैं और जो पाकिस्तान में हैं वो अपनी इन वीडियोस को देखकर ज़ुबान इम्प्रूव कर सकेंगे, तो ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ज़बान लैंग्वेज इम्प्रूव करने के साथ साथ जो है वो मैं आपको इनके कल्चर के मतलब भी बताया करूँगा, और जो इनके दिन होते हैं ऐसे जो तारीखी दिन होते हैं वो जब भी वगैरह के साथ साथ आया करेंगे, मैं उनके मतलब भी आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हेउंडे है यहाँ पर लोग अभी देखें, ये सैटरडे की नाइट है और काफ़ी टाइम हो चुका है, रात के तकरीबन 1 बजे से ज़्यादा है, इतना रश नहीं है इधर। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि देखें फिर भी लोग कैसे जो है ना इन्जॉय कर रहे हैं इधर। तो फ्रेंड ये देखें अभी लोग जो हैं इधर इन्जॉय कर रहे हैं, अभी असल में काफ़ी हम लेट इधर पहुंचे हैं, तो फिर भी लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं। ये हेउंडे एक जो है ना बहुत ही फेमस प्लेस है इधर जो है कोरिया का, तो सियोल तक से लोग जो है इधर छुट्टियाँ अपनी मनाने के लिए आते हैं, इन्जॉय करते हैं, क्योंकि इधर जो बीच है वो बहुत ही फेमस है। आपने पहले भी दोस्तों ने काफ़ी वीडियोज़ बन चुकी हैं इधर हेउंडे में, तो काफ़ी ये जो है ना फेमस प्लेस है, आप देख सकते हैं। तो ये देखें, तो फ्रेंड्स मैं स्टडी की बात कर रहा था, तो इंशाल्लाह जो है हम अभी जो मैं मून पोप बनाऊंगा उससे जितने भी कोरिया में लोग हैं जो उर्दू समझते हैं, हिंदी जो समझ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो ज़्यादा रिस्पॉन्स चैनल का आ रहा है वो नेपाल से, इंडिया से और बांग्लादेश, इस तरह के जो है ना वो मुल्कों से आ रहा है, क्योंकि उन लोगों को हिंदी की समझ आती है। फ्रेंड ये साथ साथ आप इंजॉय भी करें देखें, तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। जो दोस्त इस वीडियो को देखें वो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है ना जो भाई स्टडी कर रहे हैं, अभी आपको पता होगा कि जो कोरिया का टेस्ट हो रहा है वो बहुत ही जो है वो मुश्किल होता जा रहा है, आपने देखा होगा, क्योंकि काफ़ी हाई मेरिट लगा है अभी, तो इसलिए दोस्तों को कहें कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि पेपर अभी जो है कि अगर हम समझे कि हम महीने में 2 महीने में पढ़ के पास कर सकते हैं, तो वो अभी बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैंने अपनी वीडियोज़ में बेसिक से बेसिक चीज़ों, बेसिक एक तो होती है जो अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, मैंने सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो उस पर अपलोड की हुई हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया हुआ है, दोस्तों के साथ शेयर किया हुआ है, मैं उनका बहुत जो है वो शुक्रगुजार हूँ। तो फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी वीडियो न्यू देख रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर करें, मैं इसी तरह आपको जो है वो बताता रहूँगा, जितना मुझे मैंने जितनी सीखी हुई है ज़ुबान वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और जो है ना लाइक करें, ताकि जो भाई ज़ुबान सीखना चाहते हैं वो भी देखें इन वीडियो को और ज़ुबान सीखें। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं इधर, तो फ्रेंड्स जो हमारी टीचर हैं छायन जी,
वो अभी गई हुई हैं आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो आएंगी एक दो हफ्ते तक वो पहुंच जाएंगी इधर, तो फिर मैं उनके साथ भी मिल के जो है वो वीडियोज़ बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं इधर बीच पे आया हूँ, ये बीच है इधर हुंदे बीच, बहुत ही फेमस बीच है। देखें अभी रात के 2 बज रहे हैं और लोग फिर भी इधर इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही पुरसकून सा मुल्क है ये, कोई किसी को किसी से ख़तरा नहीं है। आप देखें कि हमारे मुल्कों में कैसा होता है कि 2 बजे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें फ्रेंड्स अभी ये बीच है और लोग इधर इंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर के लोग किनारे पे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, जो भाई कोरिया में है, अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर इधर आएँ, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये एंजॉय करने के लिए। और जो पाकिस्तान में है जिन्होंने टेस्ट पास किया हुआ है और वेटिंग में है, और वो भी अगर आएँ तो ज़रूर इधर आएँ। तो फ्रेंड ये थी हुंदे की वीडियो, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है हुंदे बीच पे जो मैंने बनाई है। उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, मैं नेक्स्ट भी इस तरह की भी वीडियो बनाया करूँगा। और स्टडी का हमारा चैनल है, मैं स्टडी पर ज़्यादा फोकस करूँगा ताकि दोस्त जो हैं वो ज़ुबान इम्प्रूव कर सकें। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत ज़ुबान आती है, लेकिन जितनी आती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि वाइट बोर्ड पर समझाया करूँ आपको, क्योंकि बोल के बताने में और वाइट बोर्ड पर समझाने से बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क होता है इस चीज़ का। तो फ्रेंड जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा शायन जी के साथ, तो उसमें मैं हम जिधर भी जाया करेंगे, हम जिधर भी वीडियो बनाएंगे उसमें हम घूमें फिरेंगे, तो जो भी वोकैबुलरी यूज़ होगी वो हम नीचे लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम उधर जाते हैं ट्रेन में सफ़र करते हैं या कहीं कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं या
बर्थडे के मतलब जितनी भी वीडियो बनाएंगे तो उसकी हम साथ में वोकैबुलरी बताने की कोशिश किया करूँगा, और नीचे उसको जो है मैं वो जब उसकी एडिटिंग करूँगा तो मैंने आपको बताया था जिस तरह वो स्किल टेस्ट में आ रही थी ना नीचे, उसी तरह वो लफ्ज़ नीचे आया करेंगे। तो उससे ये होगा कि आप इजीली लफ्ज़ को पिक कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो को देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।